हेलो व्हाट्सअप गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, आज हम फिर से खेल रहे हैं GTA 5। तो मैं यहाँ पे, मेरा करेक्टर, आज का करेक्टर है फ्रैंकलिन, और फ्रैंकलिन का घर आप ये चेक कर सकते हैं, यहाँ का व्यू चेक करें गाइस, मतलब ये चेक करें, ये फ्रैंकलिन का न्यू घर है जो कि मुझे मिला है यहाँ पे, और ये घर चेक कर सकते हो। और सामने वो भाई साहब देखो, पार्टी शार्टी चल रही है भाई सामने। तो यहाँ से मुझे जाना है गाइस एयरपोर्ट, तो चलते हैं सीधा एयरपोर्ट, वहाँ पे मेरा कोई इंतज़ार कर रहा है, तो चलते हैं एयरपोर्ट के लिए। तो गाइस फटाफट से यहाँ मुझे गाड़ी पकड़नी पड़ेगी और सीधा निकलना पड़ेगा एयरपोर्ट के लिए, क्योंकि वहाँ पे मेरा कोई इंतज़ार कर रहा है, और वहाँ इंतज़ार के लिए मुझे पहुँचना है सीधा एयरपोर्ट। तो यहाँ पे एयरपोर्ट जाने के लिए गाड़ी तो चाहिए ही थी, और ये आपके भाई को एक स्पोर्ट्स कार। अबे तू शादी में बैठा हुआ है, इधर शादी में थोड़ी जाना है। तो वो भाई साहब मेरे साथ ही बैठे हुए थे, तो मैंने उसको भी उतार दिया, और यहाँ पे फटाफट आपका भाई ड्राइविंग स्किल्स दिखाते हुए फ़ौरन स्पीड में पहुँचने वाला है एयरपोर्ट के लिए। ओ भाई ड्रिफ्ट, गाड़ी साइड से डैमेज हो चुकी है, लेकिन टेंशन की बात नहीं है भाई, यहाँ पर गाड़ियों की कमी नहीं है। तो फटाफट से निकलते हैं सीधा मेन रोड पर और सीधा पहुँचते हैं एयरपोर्ट के लिए। तो एयरपोर्ट मुझे फटाफट से पहुंचना है यहाँ पे, और गाड़ी मेरी संभल नहीं रही, तो चलते हैं सीधा। ओके लगी, ये मुझे पता था कि यहाँ पे गाड़ी मेरी ठुकने वाली है गाइस, तो कोई नहीं, निकलते हैं सीधा चलो। तो यहाँ पे भाई फटाफट से मुझे एयरपोर्ट पहुंचना है, वो भाई साहब मेरा एयरपोर्ट पर मुझे बुला रहे हैं बार बार, और देखते हैं कि क्या मिशन मुझे मिलने वाला है। फटाफट से पहुंचते हैं एयरपोर्ट। ओके गाइस, तो ये एयरपोर्ट वाला रोड आ चुका है, और यहाँ पे मैं एयरपोर्ट पहुंच चुका हूँ, और वो भाई साहब मेरा यहीं पे कहीं वेट कर रहा है। देखते हैं कहाँ पे खड़ा हुआ है वो। तो वो खड़ा हुआ है यहाँ पे एयरपोर्ट के गेट पे खड़ा हुआ है आई थिंक। हाँ ये रहा गाइस, यहाँ पे वो मेरा वेट कर रहा है, वो सामने दिखे वो ट्रक के ऊपर बैठा हुआ है भाई साहब। तो देखते हैं कि ये मुझे कहाँ लेके जाते हैं, और इसने साथ में अपने दो ATV खड़ी की हुई है भाई, ये क्या चक्कर है। देखते हैं कि ATV में मुझे कहाँ लेके जाता है। Mr. Conservative. Now what the fuck are we doing here? Nothing. Okay, a little something that's gonna help me get some tail from those Midwestern ladies that I get to meet online. अरे भाई पता है भाई, जल्दी से जहाँ चलना है वहाँ चलो यार, क्या बातें शातें लगा के रखी हुई है। चलो निकलते हैं सीधा ATV पे हम। ओके तो ये भाई साहब मुझे ATV पे भाई कार्गो प्लेन के ऊपर चढ़ना है, और भाई वहाँ से मुझे जमशम कराने के इरादे लग रहे हैं इसके। तो भाई क्या चक्कर है, पता नहीं इसके हमेशा इसके जो मिशंस होते हैं वो सारे पैराशूट वाले ही होते हैं, कि भाई वो आसमान से कभी कुदवा देते हैं, कभी बैंक की छत से कुदवा देते हैं। लेकिन कोई नहीं, हम एयरपोर्ट के अंदर आ चुके हैं, और ये चेक करें सामने प्लेन टेक ऑफ के लिए जा रहे हो भाई, निकल ले फटाफट फटाफट फटाफट। ओके तो यहाँ पर मुझे कार्गो प्लेन के अंदर चलते, कार्गो प्लेन के अंदर मुझे ये ATV लेके जाना है। अब देखते हैं कि ये मैं कर पाता हूँ या नहीं कर पाता। ये रहा कार्गो प्लेन, और यहाँ पे ये हम अंदर चढ़ गए भाई, वाह भाई वाह, और ये प्लेन टेक ऑफ कर गया। अब देखते हैं कि अब क्या करना है। ये भाई साहब ने मुझे प्लेन में लेके तो चले गए, मुझे लग रहा है भाई ऊपर से कुदवाएगा ये, लेकिन ATV का क्या काम है। ओहो भाई, ये तो ATV के साथ कूदने की बातें चल रही है यहाँ पे। तो यहाँ पे ये चेक कर सकते हैं, ये हम कार्गो प्लेन के अंदर से हमें करनी है जंप, और ATV हमारी रेडी है, और चलते हैं सीधा जंप की तरफ, और ये स्पीड में जाते हुए, और ये गए भाई यहाँ पे ATV लेके, ATV छोड़नी पड़ेगी मुझे। ओके ताकि स्पीड में नीचे जा सकूँ, और वहाँ पे जो येलो मार्क है मुझे जाना है वहाँ पे, और लैंड भी वहीं पे करना है। अब देखते हैं कि ये लैंडिंग मेरी परफेक्टली होती है कि नहीं होती, यहाँ पे इतना मैं खिलाड़ी तो हूँ नहीं, लेकिन फिर भी मैं ट्राई करूँगा। तो यहाँ पे फुल स्पीड में नीचे जाते हुए आपका भाई, और ये भाई हवाओं को चीरता हुआ फ्रैंकलिन नीचे जाते हुए, और वो रहा मार्क मुझे दिख चुका है, मुझे पैराशूट खोलना पड़ेगा। ओके ये पैराशूट मैंने यहाँ पे ओपन कर दिया है, और सीधा मुझे लैंड करना है वहाँ पे। तो चलो लैंड करते हैं फटाफट वहाँ पे, और देखते हैं क्या होता है। अबे भाई ये जल्दी उतर गया, चलो कोई नहीं, ये रहा मार्क सामने ही है। ओके तो ये भाई साहब भी आ चुके हैं, लेकिन ये मेरे बाद ही आए हैं। तो भाई ये बोल रहा है, अबे भाई इसने तो तफरी के लिए लग रहा है कुदवाया था, हद हो गई, ये कोई मिशन हुआ क्या यार। अबे अजीब मिशन आ रहे हैं, मेरी समझ से बाहर है। चलो भाई
How long did it take me to earn the bills? Listen, भाई साहब क्या करते हो यहाँ से? You go out walking amongst the drones. I'll be on top of the maze bank building. Okay, भाई. ये मिशन तो हो गया पूरा भाई. ये इस मिशन में तो कुछ कद्दू कुछ नहीं था. हद हो गई. बिलाव जो ख्वारी किया है इसने. चले मिशन पास हो चुका है. सीधा पकड़ते हैं गाड़ी और निकलते हैं हाईवे के लिए और देखते हैं कि हमें कहाँ जाना है. पहले निकलते हैं हम सीधा हाईवे, उसके बाद डिसाइड करते हैं कि अब हमें कहाँ जाना है. तो यहाँ पे तो फटाफट पहले यहाँ से चढ़ना पड़ेगा. और ये रहा ट्रक, कोई भी गाड़ी मिलती है अभी उठाओ, क्योंकि आसपास कोई गाड़ी नहीं है. तो पैदल ख्वार होने से बेहतर है कि कोई भी गाड़ी मुझे मिल जाए. तो फटाफट से इस ट्रक को पकड़ते हैं और सीधा निकलते हैं हाईवे के लिए यहाँ पे. तो यहाँ के रोड्स भी सारे ऑफ रोड्स वाले रोड्स हैं, तो ये ट्रक बहुत मज़े का होगा यहाँ पर चलने में. तो यहाँ फटाफट से निकलते हैं हम सीधा हाईवे के लिए. रात भी होने वाली है गाइज, और मतलब देखते हैं यहाँ पे इसको हेल्प चाहिए भाई, यहाँ पे इसको लिफ्ट चाहिए. ओके चलो लिफ्ट दे देते हैं. कैन यू गिव मी अ राइड होम प्लीज? श्योर ओके कम ऑन. ओके गाइस फटाफट से इसको देते हैं लिफ्ट और इसको अपने घर पे छोड़ के आते हैं. भाई ये यहाँ पे गुम हो गई थी, तो मैंने कहा चलो किसी की हेल्प ही करता हूँ. हम तो वैसे ही वेले ही घूम रहे थे इस रोड पे, तो इस बहाने इसको लिफ्ट दे देते हैं और ये सीधा पहुँचते हैं इसके घर पे. तो यहाँ पे ये ब्रिज आ चुका है और इसका घर भी यहाँ पे. भाई ये बहुत पैसे वाले घर की लग रही है, बातों से कह रही है कि वो बहुत पैसे वाले की बेटी है जो यहाँ पे गुम हो चुकी थी और मैं उसे लिफ्ट दे रहा हूँ ताकि वो सही सलामत घर तक पहुंच जाए. इसका घर चेक करेगा इस, मतलब ये झंडे शंडे लगे हैं भाई, किसी मतलब पॉलिटिशियन की बेटी बेटी है क्या? चले कोई नहीं, इसको मैंने इसको घर पे ड्रॉप कर दिया मैंने. ओके ओके गाइस, तो यहाँ पे इसको मैंने ड्रॉप कर दिया है. तो ये वाला काम भी हमारा पूरा हो चुका है. अब सीधा निकलते हैं हाईवे के लिए. और हाईवे जाने के लिए भाई यार ये जो एरिया है ना, ये ट्रेवर का एरिया है. मतलब ये जो शहर है वो ट्रेवर का शहर है. मतलब यहाँ पे ऐसे ही कच्चे घर हैं. तो यहाँ मैं ट्रक चला चला के मैं थक चुका हूँ गाइस, इतना स्लो चलता है ये कि मज़ा ही नहीं आता. तो यहाँ पे मैं ये सोच रहा हूँ कि ये मैं बाइक उठा लूँ, क्योंकि ये इससे स्पीड में तो ये बाइक चलेगी और बाइक का कट्स वट्स तो बहुत अच्छे हैं. मतलब स्पीड में, मतलब बिना ठुके ये बाइक में ईजिली इसको राइड कर पाऊँगा. तो यहाँ पर फटाफट से निकलते हैं बाइक लेके, जिसकी भी थी अब वो तो अब हमारी हो चुकी है. तो यहाँ पे फटाफट से हम हाईवे पकड़ने की कोशिश करते हैं और यहाँ पे गोली की तरह हम निकलते हैं सीधा हाईवे के लिए, क्योंकि मुझे जाना है लॉस सैंटोस. तो यहाँ पे ट्रेवर के शहर से मुझे उसके लिए बाहर निकलना पड़ेगा. तो यहाँ पे निकलते हैं लॉस सैंटोस के लिए. और यहाँ पर ये चेक कर रहे हैं लेफ्ट पे एक ब्लू मार्क आया है, देखते हैं उस ब्लू मार्क पर क्या है. तो यहाँ पर ब्लू मार्क. ओके तो गाइस गाड़ी चेक करें यार, ये तो फास्ट एंड फ्यूरियस वाले टॉम की गाड़ी है. तो गाइस कितनी ऑसम गाड़ी है यार, ये चेक करें, गाड़ी चेक करें आप गाइस. फटाफट से इसको लेके निकल लेते हैं गाइस. लग रहा है ये हमारे लिए ही गाड़ी यहाँ पे रखी गई थी, ब्लू मार्क आया था. तो इस गाड़ी को स्टार्ट करते हैं और फटाफट से निकल लेते हैं गाइस. तो ये चेक करें कि ये गाड़ी लेके मैं भाग चुका हूँ जिसकी भी थी. और ये यहाँ पर ये इसने रोड ब्लॉक कर दिया गाइस ट्रक ने. और ओ भाई यहाँ पर तो गुंडे लग गए गाइस. ये गाड़ी जिसकी थी गाइस, पूरे गैंग मेरे पीछे लग चुका है. यहाँ पे पूरा गैंग मुझ पे फायर कर रहा है और यहाँ पे मुझे इस गैंग से जान छुड़ा के इस गाड़ी लेके भागना है. अभी देखता हूँ कि मैं गाड़ी लेके भाग पाता हूँ कि नहीं भाग पाता हूँ. वो लोग के फायर्स मुझ पे कर रहे हैं गाइस, लेकिन कोई टेंशन वाली बात नहीं है. ये गाड़ी बुलेट प्रूफ है जहाँ तक मुझे लग रहा है, क्योंकि अभी तक मुझे कुछ भी डैमेज नहीं पड़ा है. तो फटाफट से गाड़ी लेके भाग. इसकी स्पीड कितनी औसम है गाइस, मतलब गाड़ी का कंट्रोल स्पीड बहुत ही ज़्यादा आला है. और ये पूरा का पूरा गैंग मेरे पीछे लगा हुआ है और यहाँ पे पीछे से फायर आए जा रहे हैं. लेकिन मुझे फुल स्पीड में यहाँ से निकलना पड़ेगा गाइस. इस शहर से बाहर जाऊँगा तब जाके ही मेरा पीछे छूटेगा, वरना उससे पहले तो भाई ये मुझे मार ही देंगे. ये बहुत ज़्यादा लोग हैं पीछे. अबे भाई हटो यार, निकलो यहाँ से यार, ये फायर कर रहे हैं तो सारे डर भर के यहाँ पे मेरी गाड़ी को ठोक रहे हैं. चेक करें, हद हो गई यार. यहाँ पे पीछे पड़े में वो सारे के सारे और यहाँ पे मुझे भागना है. और यहाँ पे मैं रुका तो मेरी कंफर्म मौत है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा लोग हैं. तो यहाँ पे ट्राई करता हूँ मैं भागने की. यहाँ फटाफट निकल 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 निकल, पहली फुर्सत में निकल. ओ भाई यार ये गलत हो गया गाइस, मेरी गाड़ी घूम चुकी है. लेकिन मैं ट्राई करता हूँ इनको इधर तेरी तब मैं हमसे पंगा लेगा गाइस. सबके ड्राइवर्स को मैंने मारा है, सबके ड्राइवर्स के हेडशॉट पड़ गए हैं. मतलब दो तीन गाड़ियों को तो मैंने फारिग कर ही दिया है. अब बची हैं एक दो गाड़ियाँ, उससे मसला नहीं है. भागने की कोशिश करते हैं. यहाँ पे भाई फ्रैंकलिन को पकड़ना मुश्किल है, नामुमकिन. आ जाओ भाई, चलो भाई ये इसको बोलते हैं चकमा देना.
भाई हमसे कहाँ लड़ोगे, हमसे पिलोगे, घंटों ही लोगे, ऐसा ही हिसाब किताब है गाइस। तो यहाँ पे फटाफट से मैं भागता हुआ, पुलिस पुलिस सब आ चुकी है गाइस। यहाँ पे बहुत आला किस्म की फाइट हो चुकी है। यहाँ पे सामने ये चेक करें, पुलिस आ चुकी है। अब इस पुलिस से भी मुझे बचना पड़ेगा और यहाँ पे मैं इस गाड़ी को ले जाता हूँ ऑफ रोडिंग पे। अबे गाड़ी फंस गई भाई, ये पुलिस वाले मुझे मारेंगे। अबे भाई चढ़ जा यार, चढ़ जा फटाफट से, चढ़ 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 चढ़। ओके गाइस, तो ये गाड़ी मेरी यहाँ पे चढ़ चुकी है। अब मैं इसको कराऊंगा फुल ऑफ रोडिंग। अब ये चेक करें, उस रोड से इस रोड पे आना मतलब 2 मिनट का काम था। पुलिस वाले को बोला घूम के आते रहो, वो घूम के जितनी देर में आएंगे मैं यहाँ से बीच में से क्रॉस कर जाऊँगा दूसरे रोड पर। ओके, मैं इस गाड़ी को ले गया हूँ कच्चे में यहाँ पे ऑफ रोड कराते हुए, स्पोर्ट्स कार से ये मतलब ये वाली गाड़ी से मैं ऑफ रोड कराते हुए। लेकिन कोई बात नहीं, गाड़ी की हालत बहुत ही ज़्यादा बुरी हो चुकी है। लेकिन मैंने ये सोचा है कि इस गाड़ी को मैं रिपेयर कराऊँगा, उसके बाद ही अपने गैरेज में पार्क करूँगा। भाई ये गाड़ी मैं नहीं छोड़ने वाला, ये गाड़ी तो मैं रखूँगा ही रखूँगा। मतलब ये बहुत ज़्यादा यूनिक गाड़ी है, बहुत मुश्किल से मिलती है ऐसी गाड़ियाँ। तो यहाँ पर ये गाड़ी तो मैं बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला। तो यहाँ पर फटाफट से निकलते हैं, भागते हैं, सीधा निकलते हैं अपने घर की तरफ। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि पुलिस वालों ने पीछा छोड़ दिया है गाइस। वो भी बेचारे बेजार हो गए होंगे कि ये गाड़ी यहाँ से वहाँ भुदकते भुदकते कहाँ पहुँच गई। उनकी नज़रों से मैं ओझल हो चुका हूँ और वो लोग जा चुके हैं। तो यहाँ पे मैंने मार्क कर दिया, फटाफट से निकलते हैं घर के लिए। लेकिन इससे पहले मैं गाड़ी रिपेयर करवाऊँगा अपनी, और सीधा मैं आ गया हूँ गैरेज। तो ये गैरेज है यहाँ पर बीकर गैरेज, जहाँ पर मैं अपनी ये गाड़ी रिपेयर कराने वाला हूँ। देखता हूँ कितने में रिपेयर होती है। भाई ठीक ठाक इस गाड़ी पे लॉस हुआ हुआ है, मतलब ठीक ठाक ये गाड़ी डैमेज हुई हुई है। देखता हूँ कि ये कितने में रिपेयर होती है। तो ये मैं गैरेज आ चुका हूँ। ये गाड़ी की हालत आप चेक कर सकते हैं, कंडीशन हर तरफ गोलियाँ ही गोलियाँ लगी हुई हैं। लेकिन कोई बात नहीं, इसको हम करा देते हैं रिपेयर। ओके, ये गाड़ी ये चेक करें, ब्रांड न्यू कंडीशन में हो चुकी है गाइस, मतलब बहुत ही ज़्यादा ऑसम हो चुकी है। इसका कलर वलर कोई चेंज कराने की ज़रूरत नहीं है गाइस, मतलब ये ऑसम कलर में है गाड़ी, ब्लैक, मैट ब्लैक कलर में गाड़ी है। तो मतलब इस गाड़ी में मुझे कुछ भी नहीं कराना, इसमें ऑलरेडी इतना कुछ लगा हुआ है कि इसमें ज़रूरत ही नहीं है कुछ भी लगाने की। तो अब मुझे यहाँ पे ये गाड़ी को सही सलामत लेके जाना है सीधा गैरेज, मतलब बिना ठोके बिना मारे बिना डैमेज किए इस गाड़ी को मुझे अपने घर तक लेके जाना है। तो ये सबसे मुश्किल काम यही था कि हाईवे पे इसको अपने घर तक लेके आना। और ये चेक करें, सुबह हो चुकी है और मैं पूरी रात हाईवे पे ड्राइव करके पहुंच गया हूँ अपने एरिया में, लॉस सैंटोस में पहुंच चुका हूँ। यहाँ पे मुझे जाना है अपने घर पे, ये पीछे गली में ही मेरा घर है। और बिल्कुल सही सलामत मैं बिना डैमेज के इस गाड़ी को लेके आऊँ, ये चेक करें। इतनी तमीज़ से तो मैंने भाई कोई गाड़ी नहीं चलाई, इस गाड़ी को इतनी तमीज़ से मैं चला के लाया हूँ। इसको फटाफट से ले जाके बिल्कुल सही सलामत जाके इसको गैरेज में कर देते हैं पार्क, ताकि ये गाड़ी सेफ हो जाए। तो ये गाड़ी तो मैं नहीं छोड़ने वाला, और इसको मैं बहुत कम चलाऊँगा, और इसे मैं तभी चलाऊँगा जब मुझे कोई हैवी किस्म का मिशन मिलेगा। इसके अलावा मैं इस गाड़ी को नहीं निकालने वाला। तो यहाँ पे फटाफट से पहुँच चुके हैं हम अपने घर, ये रहा लेफ्ट पे हमारा घर आ चुका है। और इसको फटाफट से पार्क करते हैं हम गैरेज में, और गैरेज में पार्क करके मैं आपको पूरी गाड़ी का वॉक अराउंड भी दूंगा कि गाड़ी कैसी लग रही है ये चेक करें। बुलेट प्रूफ गाड़ी है, मतलब इसमें सेफ्टी फीचर्स चेक करें, मतलब पूरी ऊपर मतलब जंजीरों से लोहों से कवर हुई हुई गाड़ी है। मतलब ये कल्टी हो जाए कुछ भी हो जाए, इस गाड़ी को कुछ नहीं होने वाला गाइस। मतलब आज का दिन की जो मेरी मेहनत थी, जो वो बेकार सा मिशन उसने करवाया था पैराशूट वाला, उसका फल मुझे यहाँ पर मिल चुका है गाइस। मतलब ये गाड़ी मिल गई, मतलब मेरा दिन वसूल हो गया। ऐसा नहीं हुआ कि ये दिन आज का दिन मेरा ज़ाया हुआ है। तो ये चेक करें गाड़ी का वॉक अराउंड, और ये गाड़ी चेक करें आप, सिर्फ ये अब हो चुकी है मेरी पर्सनल कार, और यहाँ पे मैंने गैरेज में इसको पार्क कर दिया है। तो अब चलते हैं, मिलते हैं आपसे कल नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए अपना बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखिएगा। टाटा, बाय बाय, गुड बाय।